जिला सहकारी फेडरेशन के प्रबंध समिति के क्षेत्र पिपरौली, भटत, सरदार नगर व सहजनवा के सदस्यों का निर्वाचन 24 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक और मतदान तथा मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं 25 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक सभापति, उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराकर तत्पश्चात मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्वाचन अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर बलराम सिंह ने बताया कि जिला सहकारी फेडरेशन मुरारी का मिल अली नगर की बिल्डिंग जर्जर होने व स्थान कम होने के कारण निर्वाचन क्षेत्र का मतदान व मतगणना न्यायालय, कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी, न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। ये गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र पिपरौली निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7, भटाट निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10, सरदार नगर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 व सहजनवा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 का निर्वाचन मतदान व मतगणना जो है दिनांक 24/4/2018 को समय प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक होना है और उसके पश्चात जो है मतगणना व निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसमें 13 जो है प्रबंध कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें से 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनका 19/4/2018 को घोषित किया जा चुका है। इन 4 क्षेत्रों का निर्वाचन जो है 24/4/2018 को 9 बजे से 3 बजे के बीच होना है, उसके पश्चात मतगणना की जाएगी और उसके बाद इनके परिणाम को घोषणा की जाएगी। दिनांक 25/4/18 को प्रातः 8:30 से सभापति और उपसभापति का निर्वाचन प्रारंभ होगा और वो 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन उनके निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड गोरखपुर मुरारिका मेल अली नगर की बिल्डिंग जर्जर होने व स्थान कम होने के कारण उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान व मतगणना न्यायालय कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी व न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। उसी हिसाब से ये विज्ञप्ति जारी की गई है कि सभी मतदाता और सारे उम्मीदवारों को इसकी सूचना दे दी गई है कि वो यहाँ निर्वाचन जो मतदान और मतगणना के लिए यहाँ उपस्थित हैं।